12 साल दी बच्ची नाल बलात्कार मामले च आया नवा मोड़। स्कूल प्रशासन ने गिरफ्तार स्कूल सुपरिंटेंडेंट नू दस्या बेगुनाह। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ युवराज सिंह ते तुसी वेख रहे हो दी टीवी NRI। बटाला च एक स्कूल होस्टल च 12 साल दी नाबालग बच्ची नाल रैप दा पुलिस वालों मामला दर्ज कर स्कूल दे सुपरिंटेंडेंट अजीत मसीह नू इस रैप करन दे आरोपां हेठ गिरफ्तार कीता गया है। उथे ही इस मामले च स्कूल स्टाफ दा कहना है कि जो आरोप सुपरिंटेंडेंट ते लगे हन ओह गलत हन। उथे ही स्कूल प्रिंसिपल अनीता मसीह ने दस्या कि उन्हां दा कुड़ियां दा होस्टल दा एक गेट हन अते उस गेट दे बाहर कैमरा लगा है अते हर आउण जाण वाले ते नज़र है, लेकिन ना तां सुपरिंटेंडेंट होस्टल च गए ते ना ही होस्टल च इस तरह दी कोई घटना हुई है। उथे ही प्रिंसिपल अनीता दा कहना है कि उक्त लड़की सवेर तो खुद नू बीमार दस रही सी अते जद उसने कोई अपनी निजी सेहत समस्या दसी ता स्कूल वार्डन अते एक टीचर उसनू सिविल हस्पताल च जांच लई लेके गए, जिथे ड्यूटी डाक्टर ने उक्त लड़की दे परिवारक मैंबरां बारे पुछया ता उहनां दी मौजूदगी ना होण कारण ओह बच्ची नू स्कूल वापस लेके आ गए अते बाद च उस दे परिवार नू बीमार होण बारे सूचना दे स्कूल तो लड़की दी दादी लेके चली गई, जदकि लड़की सही हालात च स्कूल तो अपनी दादी नाल वापस घर चली गई अते उसदी स्कूल स्टाफ वालों CCTV वीडियो भी मीडिया नाल सांझी कीती गई है। उथे ही स्कूल प्रिंसिपल अनीता दा कहना सी कि स्कूल दे सुपरिंटेंडेंट उना दे पति हन अते देर रात जद पुलिस उना दे घर आई ता उना नू पता लगा है कि उक्त लड़की ने मामला दर्ज करवाया है, जदकि पुलिस वालों स्कूल च कोई जांच नहीं कीती गई है अते उना कहा कि किसे साजिश तहत स्कूल अते उना दे पति अते सुपरिंटेंडेंट नू फसिया जा रहा है। मेरा नाम मेजर अनीता मैसी। मामला सानू भी नहीं पता ये की है, ये झूठी FIR दर्ज करके पुलिस अचानक आ गई रात को 11:30 तो 12 बजे के और मेरे हस्बैंड नू अरैसट करके ले गई। असी विरोध किया कि क्यों मेरे हस्बैंड नू लैके जा रहे, मेरे बच्चों ने भी विरोध किया कि साढ़े पापा नू क्यों तुसी लैके जा रहे हो। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और पुलिस मेरे हस्बैंड नू इतों अरैसट करके ले गई। आज देखो इधर नू कैमरा घुमाया जाए, इधर नू होस्टल का सिर्फ एक ही गेट है और इधर CCTV कैमरा लगा है, कोई आंदा जाता हर कोई इंसान इतने देखता है। CCTV फुटेज की इन्वेस्टिगेशन करके इनू फुटेज लैके दसिया जाए कि ये जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद ने। मेरे हस्बैंड इतने सुपरिंटेंडेंट ने, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, क्योंकि और बच्चे को थोड़ा जा फीवर हीगा इन्फेक्शन हीगा, असी हर बच्चे की केयर करने हैं। जो बच्चे माँ प्यो तो अलग रह के होस्टल च रेंदे, जो असी उन्होंने खाना दिंदे हैं तो उन्होंने हैल्थ की जिम्मेदारी भी साड़ी हुंदी है। असी वो बच्चे नू हॉस्पिटल लैके गए और बच्चे नू डॉक्टर ने कहा कि असी इहदा इन्वेस्टिगेशन नहीं करना क्योंकि ये बच्चा पेरेंट्स के नाल नहीं आया है, बच्चा छोटा है। फिर असी उन्होंने पेरेंट्स नू बुलाया कि तुसी आके देख लो, लेकिन रेप ते होया ही है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात कही जा रही कि लड़की का रेप हुआ है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। आप देख लीजिए जिस समय की बात बताते हैं, ये कैमरा लगा है, ये हॉस्टल है, हॉस्टल का दरवाजा आप देखिए, यहाँ से कोई जाएगा तो आएगा भी यहीं से वापस। ये सारा मामला साफ है कि ये किसी ना किसी की साजिश है, क्योंकि यहाँ पर CCTV कैमरा लगे हैं, इसके फुटेज लिए जाएं और पुलिस ने भी सीधे आके मेरे हस्बैंड को अरेस्ट किया है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है और ये साजिश है। लड़की का रेप यहाँ पे नहीं हुआ है, भी होगा वो खुद सामने आएगा और उसे इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो खुद सामने आए, किसी मासूम बच्चे को आगे ना करे। मुझे उस बच्चे के साथ भी हमदर्दी है कि किसी छोटे लड़की का नाम लेके उसके फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। उसके पेरेंट्स से बात हुई है? मुझे नहीं मालूम उनके पेरेंट के साथ में क्या डीलिंग हुई है, क्या बात हुई है, और पेरेंट्स भी उस इन्वेस्टिगेशन में पेरेंट्स से भी पूछताछ की जाए। सर असी तो सही सलामत उन्होंने भेजा वा, ओदी दादी दे सहन भी ठीक ठाक सारे तो चल के गई है, ठीक ठाक उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं सी, बिल्कुल ठीक ठाक गई है, सुबह तो भी ठीक ठाक सी। बार बार उन्होंने पूछा एक तो तू ठीक है, बोलती मैम ठीक हाँ मैं ठीक हाँ। जो सर कोई बच्चा बीमार होए तो खाना नहीं खाधा जाता, बैठा नहीं जाता, चाह नहीं पीती, वह सही सलामत खा के पी के पेट भर के सारा कुछ गई है। सर कल्ली नहीं सी सर, मैं जो ये मेरी बॉडी पेन हो रही है तो मैं तू इतने रेस्ट कर, मैं जा रही, मैं अपने बच्चों का मॉर्निंग टाइम खाना बनाऊनी हाँ जाके, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे तो बाद में मैं इन्होंने कोल ताला मार के जो बच्चे मेरे 8 बजे पहले इन्होंने मैं छड़ के तो फिर अपने बच्चों को जानी हूँ। ऐसी सर कोई गल नहीं है, सारा झूठा जो इल्जाम लाया जा रहा है झूठा लाया जा रहा है। हाँ सर मैं अपनी जिम्मेवारी खुद निभानी है क्योंकि मेरी बेटी है, सर की बेटी है, वह भी मेरी बेटियां वर्गियां हैं। जो भी सर इल्जाम झूठा लाया जा रहा है।
आरके तांत्रिक अघोरी तांत्रिक इन कामख्या असी कहते नहीं करके दिखाते हैं। किसी भी तरह का काला जादू करो या तुड़वाओ केवल 8 घंटे सिर्फ 5 घंटे आज ही वशीकरण करवाओ या फिर तुड़वाओ। कारोबार नौकरी प्रेम विवाह झगड़े दुश्मन तो छुटकारा विदेश यात्रा घरेलू कलेश पढ़ाई विच रुकावट सिर्फ 11 घंटे विच पाओ किसी भी तरह की समस्या का हल। जेकर आज ही कह दिता कि लॉटरी निकलेगी तो 100% लॉटरी कट के दिखाते हैं। कॉल या व्हाट्सएप करो 9460170252 उते। साड़ा पता है कामख्या पीठ गुवाहाटी असम पिन कोड है 78101।